मोदी विरोध में नेताओं ने की थी बड़ी भविष्यवाणी। 106 विपक्षी नेताओं ने दिया था बड़ा बयान। 15 अगस्त को मोदी ने विरोधियों को दिया जवाब। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष लगातार कोशिश करता रहा। सबसे पहले साल 2014 में विपक्ष ने मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और जब मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पूरे विपक्ष ने मोदी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष नाकाम रहा, और जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो यही विपक्ष एक बार फिर ये बयान देने लगा कि अगले साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगा तो लहराएगा, लेकिन पीएम मोदी ये तिरंगा नहीं लहराएंगे। और ये सियासी भविष्यवाणी करने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे 6 बड़े विपक्षी नेता थे, जिन्हें अब पीएम मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इस बार इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसमें ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे कुछ बड़े नेताओं को छोड़कर विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल थे, जिससे मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंके। और मजे की बात तो ये है कि विपक्ष को ये उम्मीद भी हो गई थी कि इस बार मोदी सत्ता में नहीं आने वाले, इसीलिए साल 2023 में ही बयान देने लगे कि 15 अगस्त 2024 को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। और ये सियासी भविष्यवाणी करने वाले नेताओं में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आरजेडी नेता लालू यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत जैसे नेता शामिल थे। इनके खिलाफ मतदान होगा, ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएं। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। सर मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? ना, नहीं फहरा पाए, अंतिम है उनका। शुद्ध मोदी बाबू शेष भाषण है, आगामी दिन लाल किले टीम इंडिया माथे नाम दे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री। विपक्षी मान चुका था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, तो फिर भला लाल किले पर तिरंगा कैसे फहराएंगे, क्योंकि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री ही तिरंगा फहराते हैं। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो विपक्ष के सपने चकनाचूर हो गए और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में भी आ गए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगा भी फहरा दिया। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहा करते थे कि 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी लाल किला परिसर में बैठकर पीएम मोदी को तिरंगा फहराते हुए भी देख रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुमा करनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं।
ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। साल 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और साल 2014 से अब तक लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहरा चुके हैं, जबकि मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, सौरभ भारद्वाज, अखिलेश यादव, संजय राउत, लालू यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता आज भी विपक्ष में ही हैं और साल 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव तक विपक्ष में ही रहेंगे। 2029 के चुनाव में अगर विपक्ष जीत हासिल करता है तब जरूर विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले पर तिरंगा लहराने का मौका मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को 2019 में मौका मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, चुनौतियाँ कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में